बिश्नोई गैंग ने एनसीपी लीडर बाबा सिद्दकी दे हाल ही छोए कतल दी जिम्मेवारी ली है। जिस तो बाद एक होर गल सामने आई है, ये गैंग सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि बिग बॉस 17 दे जेतू मुनव्वर फारूकी नू ही निशाने ते रखी बैठा है। पुलिस ने पिछले महीने ही मुनव्वर नू सुरक्षा प्रदान की सी अते हुण कहा जा रहा है कि उसकी सुरक्षा दे विच होर वाधा किया गया। जानकारी मुताबिक बाबा सिद्दकी दे कतल तो बाद मुनव्वर दा दिल्ली दे विच कुछ लोगों ने पिछा किया सी, जिन्हां दा संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाल दस्या जा रहा है। अजिहे च कोई वड्डी घटना वापरन तो पहला ही पुलिस ने अपनी सुरक्षा वधाई है। मुनव्वर इस गिरोह दे निशाने ते क्यों है, इसका कारण अजे तक स्पष्ट नहीं है, पर पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं वरतना चाहती। एक पुलिस अधिकारी मुताबिक उन्होंने गिरोह तो मुनव्वर को संभावित धमकी की सूचना मिली है, हालांकि धमकी का कारण अजे स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने इस मामले को लेकर चौकस कर दिया गया है। नजदीक सितंबर में जदों मुनव्वर एंटरटेनर क्रिकेट लीग लई दिल्ली दे विच सन तां कुछ निशानेबाजा ने उन्हां दे होटल दी रेकी भी कीती सी। पुलिस नूं सूचना मिली सी कि मुनव्वर दी जान नूं खतरा है, जिस तों बाद हुण जांच भी शुरू कीती है। इस नाल इस मैच दौरान एलविश यादव नूं जानों मारन दी धमकी मिली सी, जिस तों बाद पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दित्ती है। दस दईए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 12 अक्टूबर बाबा सिद्दकी का गोली मार के कतल कर दिया गया सी। 13 अक्टूबर नू फेसबुक ते एक पोस्ट वायरल हुई, जिस विच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कतल की जिम्मेवारी ली सी। पुलिस पोस्ट विच लिखा सी कि सलमान खान, असीं इह लड़ाई नहीं चाहते, साडी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान दाऊद इब्राहिम की मदद करता है उसनू अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। इस तों बाद सलमान खान अते उन्हां दे परिवार की सुरक्षा वधाई गई सी, ते हुण मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा जिहड़ी है उस दे विच वी वाधा कीता गया है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट द टीवी एनआरआई। बिश्नोई गैंग ने एनसीपी लीडर बाबा सिद्दकी दे हाल ही छोए कतल दी जिम्मेवारी ली है। जिस तों बाद एक होर गल सामने आई है, ये गैंग सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि बिग बॉस 17 दे जेतू मुनव्वर फारूकी नू ही निशाने ते रखी बैठा है। पुलिस ने पिछले महीने ही मुनव्वर नू सुरक्षा प्रदान की सी अते हुण कहा जा रहा है कि उसकी सुरक्षा दे विच होर वाधा किया गया है। जानकारी मुताबिक बाबा सिद्दकी दे कतल तो बाद मुनव्वर दा दिल्ली दे विच कुछ लोगों ने पिछा किया सी, जिन्हां दा संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग नाल दस्या जा रहा है। अजिहे च कोई वड्डी घटना वापरन तो पहला ही पुलिस ने अपनी सुरक्षा वधाई है। मुनव्वर इस गिरोह दे निशाने ते क्यों है, इसका कारण अजे तक स्पष्ट नहीं है, पर पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं वरतना चाहती। एक पुलिस अधिकारी मुताबिक उन्होंने गिरोह तो मुनव्वर को संभावित धमकी की सूचना मिली है, हालांकि धमकी का कारण अजे स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने इस मामले को लेकर चौकस कर दिया गया है। नजदीक सितंबर में जदों मुनव्वर एंटरटेनर क्रिकेट लीग लई दिल्ली दे विच सन तां कुछ निशानेबाजा ने उन्हां दे होटल दी रेकी भी कीती सी। पुलिस नूं सूचना मिली सी कि मुनव्वर दी जान नूं खतरा है, जिस तों बाद हुण जांच भी शुरू कीती है। इस नाल इस मैच दौरान एलविश यादव नूं जानों मारन दी धमकी मिली सी, जिस तों बाद पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दित्ती है। दस दईए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 12 अक्टूबर में बाबा सिद्दकी का गोली मार के कतल कर दिया गया सी। 13 अक्टूबर में फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिस विच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कतल की जिम्मेवारी ली सी। पुलिस पोस्ट विच लिखा सी कि सलमान खान, असीं इह लड़ाई नहीं चाहते, साडी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान दाऊद इब्राहिम की मदद करता है उसनू अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। इस तों बाद सलमान खान अते उन्हां दे परिवार की सुरक्षा वधाई गई सी, ते हुण मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा जिहड़ी है उस दे विच वी वाधा किया गया है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट द टीवी एनआरआई।